सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो, मतलब हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिस सिस्टम के दम पे ना सिर्फ पनडुब्बी से बल्कि किसी जहाज के ऊपर से भी या पनडुब्बी के नीचे से भी हम उस टॉरपीडो को मिसाइल की स्पीड से पहुंचा सकते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। कब से मनाया जाने लगा है? ये कौन से नंबर का है? इस बार की थीम क्या है? अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो वीकली करंट की इस सप्ताह की क्लास में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा शेड्यूल हमने मैनेज किया है और हमने शनिवार तक का जो करंट है, रविवार से शनिवार तक का जो करंट है वो से चालू कर रहे हैं, और इस हिसाब से मेरे 27 तारीख से, 27 अप्रैल से 3 मई तक का जो करंट अफेयर है इसको इस सप्ताह आपके सामने लेके आया है। ये व्यू वीडियो है, कल यानी कि रविवार को अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आज इसको हम शूट कर रहे हैं, 4 तारीख आज है, 4 मई आप है। और मैं वापस जैसे हर बार बोलता हूँ कि नोट्स बनाते हुए चलें, पढ़ते हुए चलें, क्योंकि ये एक तरह से ये जो करंट है ये करंट निचोड़ है, मतलब ढेर सारा करंट आप यहाँ से वहां से 10 तरह का करंट, 100 तरह का करंट आप पढ़ो, और लेकिन वानी 100 तरीके, 100 करंट, 100 करंट के बिंदुओं में से एक या दो प्रश्न आने की अगर संभावना हो तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 10 बिंदु याद कर लो, इन 10 में से एक या दो आने की संभावना है उतनी ही रहेंगी जितनी 100 में से, है ना। तो ये आपसे कह रहा हूँ कि एक तरह से फिल्टर लग गया है इस क्लास में। फिल्टर लगने का मतलब है कि 100 या 1000 बिंदु की जगह 10 बिंदुओं पे बहुत बेहतर तरीके से उस पर आप पकड़ बना लें, अच्छे से याद कर लें, और 10 बिंदु को जब आप बहुत बेहतर तरीके से याद करेंगे तो निश्चित ही आपके चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने पहला प्रश्न आ चुका है, और पहला प्रश्न जो है वो ये है कि आईसीसी पुरुष T20 जो वर्ल्ड कप है, जो विश्व कप है 2024 का, उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे चुना गया है, किसे बनाया गया है। ऑप्शन में देख रहे हैं विराट कोहली है, युवराज सिंह है, राहुल द्रविड़ है और सचिन तेंदुलकर है। तो इनमें से किससे जो है आईसीसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जो पुरुष वर्ल्ड कप होने वाला है? तो आपको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसको हम बोलते हैं आईसीसी। आईसीसी जो है इसकी T20 जो वर्ल्ड कप है इसका आयोजन हो रहा है, होने वाला है 1 जून, 1 से 2 जून से इसको इसकी शुरुआत हो रही है, और लगभग 29 जून तक ये जो वर्ल्ड कप है ये चलने वाला है। और कहाँ होने वाला है, तो पहली बात तो इसको आप याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज और अमेरिका जो है, यूएसए जो है, ये बड़ा प्रश्न बन रहा है, यहाँ पे इसका आयोजन होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो क्रिकेट जनरली क्रिकेट से संबंधित अमेरिका नहीं है, अमेरिका में जो बेसबॉल है वो बड़ा ही प्रचलित है, उनका राष्ट्रीय खेल भी है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो क्रिकेट का बड़ा आयोजन पहली बार अमेरिका में होने जा रहा है, तो ये एक बड़ा बिंदु यहाँ पे बन जाता है। मतलब अगर आप पूछे कि इस बार का आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप है ये कहां आयोजित हो रहा है, तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में इसका आयोजन होने जा रहा है जून से, 1 जून से, इसको आप याद रखिएगा। अब सवाल है कि जब भी किसी प्रकार का आयोजन होता है तो उसकी ब्रांडिंग की जाती है, ना ब्रांडिंग मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित प्रसारित किया जाता है। तो ब्रांडिंग के लिए क्या करते हैं, या तो उस खेल से या किसी फिल्मी हस्ती को या किसी व्यक्ति को जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना जाता है। यहाँ पे 4 नाम हम देख रहे हैं, विराट कोहली, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, इनमें से किसे ब्रांड एम्बेसडर जो है आईसीसी ने बनाया है ये हमें देखना है। तो विराट कोहली और युवराज सिंह जो है इनको बनाया है, ये कौन से विराट कोहली और युवराज सिंह है ना, ये दो, ये ऐसे लग रहा है जुड़वा है, एक तरफ दाढ़ी है, एक तरफ बाल है ज्यादा, और एक तरफ नहीं है दोनों भाइयों, है ना। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, जबकि हम बात कर रहे हैं इनमें से किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, विराट कोहली, युवराज सिंह। अच्छा विराट कोहली तो नहीं है ना ये वाला, विशाल विराट है ना, और ये अपना कौन बोले, युवराज सिंह, अफ्रीका का विराट कोहली, अफ्रीका का युवराज सिंह, ऐसा कुछ तो नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं, ये भाई साहब कौन है आपको पता है, बता सकते हैं क्रिकेट प्रेमी कौन है भैया? ये क्रिस गेल है ना, और ये भी बता देंगे फिर तो ये कौन है, तो भैया ये है उसेन बोल्ट। ये नहीं बता पाए हैं उसेन बोल्ट कौन है, ये उसेन बोल्ट याद रखिएगा, ठीक है, दोनों को ही याद रखिएगा। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के घातक बल्लेबाज हैं, वही उसेन बोल्ट ये इस व्यक्ति को तो आप रट दो भैया, ये तो कई बार परीक्षा में आया है, आता है। जमैका एक देश है अफ्रीका का, जमैका जो देश है, इस जमैका देश के धावक हैं, एथलीट हैं, दौड़ने वाले रनर हैं याद रखेगा, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड इनके नाम है, ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं उसेन बोल्ट याद रखेगा। ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र एथलीट उसेन बोल्ट कहाँ के हैं, जमैका के हैं याद रखेगा। मगर सवाल ये कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, ये वेस्ट इंडीज के घातक क्रिकेटर हैं क्रिस गेल, और उसेन बोल्ट जो है ये जमैका के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 8 बार गोल्ड मेडल जीते हैं उन्होंने रनिंग में याद रखेगा, एथलीट एथलीट में एथलीट हैं बड़े। सवाल ये कि दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले इन ये जो दो लोग हैं इन दोनों को ही ब्रांड एम्बेसडर चुना जा चुका है,
मतलब आईसीसी T20 जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके ऑलरेडी जो है दो लोग ब्रांड एम्बेसडर थे। कौन कौन थे? एक क्रिस गेल और दूसरे उसेन बोल्ट, आया होगा मजा मेरे ख्याल से। और तीसरे नंबर पे चुना गया है युवराज सिंह को। किसको चुना गया है? युवराज सिंह। मतलब आईसीसी T20 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है इसके कितने ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं? तीन ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट और युवराज सिंह। ठीक है, याद रखेगा तीनों को, तीनों को ठीक है, ये चीज का रखेगा। और कहाँ होना है जो वर्ल्ड कप है ये, और तमाम बातें कुछ एक बात और कर लेते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, T20 जो वर्ल्ड कप है इसकी शुरुआत 2007 से हुई है। प्रति 2 वर्षों में इसका आयोजन होता है, हर 2 साल में, पर 2 ईयर में इसका आयोजन होता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, 2007 में इसका पहला आयोजन हुआ था, ये नवा इसका संस्करण है, 9th नंबर का ये आयोजन है। भारत एक बार आईसीसी जीता है, पहले ही बार में 2007 में जो है आईसीसी का ये T20 वर्ल्ड कप है ये हमने जीता है, इसको भी आप याद रखेगा। तो पहली शुरुआत 2007 में थी, अभी 2024 में हो रहा है, फिर 2026 2028 इसमें हुआ। हालांकि शुरुआत में 2007 के बाद 9 में हुआ था, 9 के बाद 10 में हुआ था, 10 के बाद से फिर कंटिन्यूसली 2 सालों में हो रहा है। 20 वाला जो 21 में हुआ था मगर वो कहलाया 20 का ही वर्ल्ड कप था, इसको भी आप याद रखेगा। तो ये तमाम चीजें मैंने आपको डिटेल यहाँ पे बता दी है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। कई बार प्रश्न आते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई और कौन जीता था? भारत ही जीता था, एक ही बार विजेता बना है, इसका याद रखेगा। इस बार उम्मीद करते हैं कि इस बार विजेता बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को याद रखेगा, वैसे दोनों बढ़िया लग रहे हैं। हाँ बढ़िया ही है। शीतल, उसेन बोल्ट, ये तो पहचान भी नहीं आ रहा होगा, नहीं पहचाना होगा है ना भाई, ये जलवे हैं इनके है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की? रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, हम कह रहे हैं हाल ही में किसने घोषणा की? आपको पता है 2022 2022 फरवरी 2022 2022 2022 से दो देशों में युद्ध चल रहा है, एक है ये छोटा सा इतना सा यूक्रेन और एक है इतना बड़ा सा रूस, इन दोनों में युद्ध चल रहा है। और जो युद्ध है ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है, 2024 आ चुका है, 2 साल हो चुके हैं युद्ध को, 2 सालों से लगातार युद्ध चल रहा है। और इस ये जो देश है, ये देश काफी हद तक जो है पिछड़ा है, यानी कहें कि दोनों ही देशों के संसाधन, दोनों ही देशों के लोग जो है इसमें शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बात करें कि यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा किसने की, तो मैं आपको बता दूं यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की अमेरिका ने। किसने घोषणा की दोस्तों? अमेरिका, अमेरिका ने मदद करने की घोषणा की। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इंटरेस्टिंग चीज देखिए, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ हो, ये जो भाई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये जो देश है, ये देश अपना हस्तक्षेप करना नहीं भूलता। मतलब आप देखिए लड़ाई चल रही है यहाँ पे इस जगह पे, है ना, याद रखिएगा, इस जगह पे ये यूक्रेन और ये रूस का एरिया है पूरा का पूरा, रशिया वाले, लड़ाई यहाँ चल रही है और इस भाई को यहाँ दखल देना है, यूक्रेन रशिया में दखल देना है। अभी हाल ही में इसराइल और जो है ईरान की लड़ाई का शुरुआत हुई और इसराइल और ईरान की लड़ाई में इसराइल का साथ देने के लिए पहुंच गया अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले अगर देखो आप नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की लड़ाई हो, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की अगर लड़ाई हो तो उसमें भी साउथ कोरिया का साथ देने पहुंच जाएगा। भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो, भारत पाकिस्तान के बीच में अगर द्वंद्व मचे दिमाग में, तो भारत पाकिस्तान के बीच के द्वंद्व को मिटाने के लिए एक पक्ष का साथ दे देगा और पाकिस्तान का साथ भी इसने दिया। बस ओसामा बिन लादेन के बाद जो है पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने आई और पता चला कि ये आतंकी स्टेट के रूप में ये जो है विकसित हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तब जाकर उसका पीछा उन्होंने छोड़ा और भारत की तरफ रुख किया। तो अमेरिका जो है ये यहाँ है, 7 समुंदर पार जिसको हम कहते हैं, मतलब बहुत दूर, कोसों दूर ये है, मगर उसके बावजूद भी वहां से बैठा बैठा इस जगह पे, इस पूरे महाद्वीप को, यानी कहें पूरे अर्थ को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, कंट्रोल में करने का काम करता है। क्यों करने का काम करता है? देखिए दो चीज, टेक्नोलॉजी की बात करें, एडवांस वेपन्स की बात करें, हथियारों की बात करें, या महाशक्ति के रूप में स्थापित होने की बात करें, तो वो अमेरिका है। और कैसे बना हुआ है? वो ऐसे बना हुआ कि जब दो लोगों की लड़ाई होगी तो दो लोगों की लड़ाई में एक व्यक्ति को अगर अपनी तरफ से कुछ पैसा देगा, अपनी तरफ से मदद देगा, अपनी तरफ से हथियार देगा, तो ऐसी स्थिति में दो चीजें होंगी। पहली चीज कि आसपास के जो देश हैं वो देखेंगे कि यार हेवी जो एटोमेटिक जो वेपन्स हैं वो किस देश के यूज कर रहा है, फलाना देश इस देश के यूज कर रहा है, पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज ये हो गई कि उन हथियारों को जब टेस्टिंग, मतलब एक तरह से टेस्टिंग चल रही है, वो तो एक देश लड़ रहा है, युद्ध लड़ रहा है, उनके हथियारों के दम पे तो टेस्टिंग चलेगी, तो
टेस्टिंग चलने में, जब युद्ध में उन हथियारों का प्रदर्शन बेहतर होगा तो इस समय उन हथियारों की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी, और वो किन से खरीदे जाएंगे, फिर अमेरिका से ही खरीदे जाएंगे। तीसरी चीज अगर देखा जाए तो वो जो देश है, जो जिस देश ने हथियार या फलाना कोई अनुदान लिया है, कोई ग्रांट लिया है, पैसों का लिया, हथियार का लिया, किसी चीज का लिया है, वो भी किसके ऊपर आश्रित रहेगा, किसकी मानेगा कि भाई फलाना आदमी ने मदद की, और किसकी मानेगा, अमेरिका ने मानेगा। आगे कहानी समझे तो ये तमाम चीज है, मतलब वैश्विक पटल पे, ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अपना हस्तक्षेप बनाए रखना, चाहे वो पैसों की मदद हो, चाहे वो अनाज की मदद हो, चाहे वो हथियार की मदद हो, ये कौन करता है, ये करता है भैया अमेरिका करता है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, चीज है, इस चीज को भी याद रखेगा। तो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है, इस युद्ध में किसकी मदद का इन्होंने काम किया है, इन्होंने काम किया है किसका, यूक्रेन का काम किया है, इसको भी आप याद रखेगा। तो यहाँ जो आंसर है ये है अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली तरफ चलते हैं, और अगला करंट का जो बिंदु है वो ये रहा आपके सामने, हाल ही में किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। यहाँ फोटो आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा शायद ब्लड टाइप का है, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, प्रश्न आया है सामने। ठीक है, चलिए देखिए कुछ एक बातें करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एससीओ वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, हिंदी में इसको शंघाई सहयोग संगठन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये जो संगठन है, इस संगठन की शुरुआत की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये संगठन शुरुआत में कहलाया शंघाई फाइव। क्या कहलाया भैया? शंघाई फाइव। और शंघाई फाइव की स्थापना हुई 1996। कब हुई इसकी स्थापना? 1996 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और 1996 में पांच देश ने मिलकर इसकी स्थापना की थी शंघाई में, और पांच देश कौन कौन से थे, तो ये थे आपका कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, और शंघाई कहां पे है? चीन। इन पांच देशों, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और चीन, इन पांच देशों में 1996 में किसकी स्थापना की? शंघाई फाइव, शंघाई फाइव की स्थापना की। ठीक है, और ये शंघाई फाइव जो है, ये शंघाई फाइव 2001 में, 2001 में इसमें एक देश शामिल हुआ जिसका नाम था उज्बेकिस्तान। कौन सा देश शामिल हो गया? उज्बेकिस्तान एक ये शामिल हुआ। तो अब पांच से कितने देश हो गए? छह में, मतलब छह देश जब हुए 2001 में, तो 2001 में शंघाई फाइव का नाम चेंज करके किया गया, ये क्या कर किया गया? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन। अगर आपसे पूछे शंघाई सहयोग संगठन कब बना, तो बना 2001 में। कब बना? इससे पहले इसका पूर्व नाम क्या था? शंघाई फाइव, जो कब बना था? 1996 में, पांच देशों के साथ। ठीक है, 2001 में इसमें कौन सा देश शामिल हुआ? उज्बेकिस्तान शामिल। आगे कहानी समझ में याद रखें। फिर हम हमारी बात करें तो भैया भारत जो है 2017 में, भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान जो है इसमें शामिल हुए, इंडिया और पाक इसमें शामिल। अब बताओ सदस्य कितने हो गए हैं? आठ। कितने हो गए हैं? आठ, पांच और एक छह और दो आठ सदस्य हो गए। अभी हाल ही में 2023 में, 2023 में ईरान जो है वो इसका सदस्य बना है। कौन बना है? ईरान। तो हाल ही में इसके सदस्य कितने हो गए हैं? अब बताओ भैया एससीओ के कंट्री मेंबर कितने हैं टोटल? नौ। प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे अलग अलग प्रकार से। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना कब हुई? 2001 में। एससीओ में कौन सा सदस्य जुड़ा? इससे पहले क्या नाम था? शंघाई फाइव में कितने देश थे? कौन कौन से? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और चीन। ठीक है, याद रखें। भारत कब जुड़ा? और 2017 में एक और देश को मान्यता मिली, तो कितने हो गए? हाल ही में 2023 में कौन सा सदस्य बना? ईरान। इस प्रकार सदस्य देश कितने हो गए, कंट्री मेंबर कितने हो गए? नौ हो गए। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अब इसकी वार्षिक बैठक हुई हाल ही में, हर साल इसकी अलग अलग टाइप की मीटिंग्स होती है। अभी जो बैठक हुई किनकी हुई? रक्षा मंत्रियों की, डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई, याद रखिएगा। और ये जो डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई, रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, ये हुई कजाकिस्तान। कहां पे हुई? कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। कहां पे भैया? कजाकिस्तान की राजधानी या कैपिटल कौन सी है? अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में, कैपिटल अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की, डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई।
अब आप डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, और यहाँ पे भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किस आदमी ने किया? ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इन्होंने पार्टिसिपेट, ये डेलीगेट है पूरा का पूरा, मगर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, मतलब प्रतिनिधि के रूप में। मतलब अब आप बताओ भारत के रक्षा मंत्री कौन है भैया, कौन है? रक्षा मंत्री पूछा है डांडो, राजनाथ सिंह, एक जयशंकर। कौन है रक्षा मंत्री? तो ये राजनाथ सिंह है क्या बताओ? तुम साला फोटो में एस जयशंकर दिख रहा तुम्हें? तुम तो यार न्याय थी वो वाले लोग हो यार, क्या बोलते हैं उसे, वो उठाई गिरे टाइप के यार है। मतलब तुम साला किसकी कॉपी? जयशंकर, एस जयशंकर छोड़ दिया, रक्षा मंत्री की बात चल रही, बात रक्षा मंत्री की चल रही, और ये जो व्यक्ति प्रतीत हो रहा है आदमी को, देखो जयेश जयशंकर प्रतीत हो रहा है, उनने कोई ना कोई मंत्री है वो भी चला होगा। तो ये इस हिसाब से, इस हिसाब से तुम्हें इनमें से एक अपने राम बाबू लग रहा होगा और एक अपना गिरिजा शंकर लग रहा होगा, गिजालाल लग रहा होगा। हद हो गई यार, ठीक है। कौन है रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह। अब भैया चुनाव का माहौल है, आचार संहिता लगी हुई है, तमाम चीजें हैं, तो राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग में इंटरफेयर नहीं किया, मतलब नहीं पूछा। रक्षा मंत्री की इस मीटिंग में ये जो व्यक्ति यहाँ पे पहुंचे हैं, ये है भारत के रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी। कौन है भैया ये? डिफेंस सेक्रेटरी, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो डिफेंस सेक्रेटरी है, इनका नाम है गिरधर अरमाने। क्या नाम है भैया? गिरधर अरमाने। आया मजा, आ गई कहानी सुन, ठीक। तो एससीओ रक्षा मंत्री की जो बेटा हुई, डिफेंस मिनिस्टर्स की जो बेटा हुई, उसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया है? डिफेंस सेक्रेटरी रक्षा सचिव गिरधर अरमाने जी ने पार्टिसिपेट किया है, और ये गिरधर अरमाने जी है, ना कि एस जयशंकर प्रसाद, ठीक है, याद रखेगा, एस जयशंकर, ठीक है, इसको याद रखेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे देख के जब गुस्सा आ गई उन्हें, तो तुम्हारे पर मिसाइलें छोड़ दी जाएंगी, ध्यान रखना, है ना, ठीक है। आ गई पूरी कहानी समझ में, ठीक है। तो एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग का हो यहाँ में, अस्ताना, अस्ताना किसकी राजधानी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले करंट की तरफ चलते हैं, और अगला करंट है बहुत जोरदार वाला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये पता होगा आप लोगों को, मगर बहुत सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूँ। विश्व प्रेस ये कब मनाया जाता है ये पता होगा डेफिनेटली, मगर मैं जो बातें आपसे करूंगा, यकीन मानिए आपकी नानी मर जाएगी, है ना, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है। तो हम पृष्ठभूमि की तरफ चलते हैं, है ना, इसकी, इसके क्यों मनाया जाता है, और तमाम बातें हम करते हैं। देखिए विश्व, समझिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस को चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर माना जाता है। प्राचीन काल में, एंशियंट जो समय था, रोमन जो साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य में तीन जो है पिलर्स माने जाते थे। तीन पिलर्स में एक राजा होता था, दूसरा पादरी होता था, और तीसरा जनता होती थी। ये तीन पिलर्स माने जाते थे। कौन कौन भैया? राजा, पादरी यानी कि चर्च का प्रमुख, और ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये तीन पिलर्स होते थे। फिर समय चेंज हुआ, दुनिया बदली, और प्रेस यानी कि जो मीडिया है, इसने भी अपना रोल प्ले किया उन चीजों को बता के, जो चीजें दुनिया में घटित हो रही थी, चाहे वो ठीक हो, चाहे वो बुरी हो, या चाहे अच्छी हो। तो जब ये चीजें हुई और देश लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि की तरफ जाने लगे, डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनने लगे, लोग जो है लोगों की सरकारें बनने लगी, लोग सरकार में बनने लगे, जब ये चीज हुई, तो ऐसी स्थिति में जो पिलर्स हैं वो चेंज हुए, यानी कि जो पिलर्स है यानी स्तंभ, वो स्तंभ जो पिलर्स थे वो चेंज हुए, तीनों पिलर्स चेंज हो गए। और तीन पिलर्स कौन से आ गए? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूशन और जुडिशरी, ये तीन पिलर्स आ गए। जब ये तीन पिलर्स आए, तो इन तीनों पिलर्स की जो कार्यवाही होती है, जो काम होता है, उसको जनता को, उसको लोगों को दिखाने का काम किसने किया? फोर्थ पिलर ने। और फोर्थ पिलर यानी कि चौथा पिलर कौन सा? प्रेस यानी कि मीडिया, इसको आप याद रखें। आगे कहानी सुन, मगर अब ये भी है जरूरी कि वो जो प्रेस है वो हुबहू चीज बताए, मतलब जो हुआ है घटित वही चीज बताए, बीच में कुछ मक्खन मलाई ना लगाए कि 2014 के बाद शक्तिमान आया और उस शक्तिमान ने सब 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 करते 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 पूरा भारत बदल दिया। आई कुछ कहानी सुन, एकदम से इतना भी नहीं, मतलब कि मलाई लगा शक्तिमान ही बना दिया, हद हो गई। आ रही नहीं कहानी सुन आपको, है ना, ऐसा भी नहीं कर सकते, जो है वो बताओ तो ज्यादा बेहतर। तो जो है वो बताओ में यूनाइटेड नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र है, इसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया। और ये जो मीटिंग है,
ये हुई 29 अप्रैल, कब हुई भैया? 29 अप्रैल से 3 मई 1991, कब हुई? 29 अप्रैल से 3 मई 1991 कहां पे हुई? एक देश का नाम लिख रहा हूं, इसकी राजधानी अगर बता दोगे तो समझ लेंगे, नामीबिया की राजधानी। किसकी कैपिटल भैया? देश है नामीबिया, अफ्रीकन कंट्री नामीबिया। क्या है राजधानी? वेरी गुड। क्या भाई क्या है, क्या राजधानी बताओ बस। विंड हॉक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन सी राजधानी भैया? विंड हॉक कैपिटल। किस कैपिटल है ये? नामीबिया की। यहां पे आयोजन हुआ किस मीटिंग का आयोजन हुआ? यूनाइटेड नेशन के द्वारा किसकी स्वतंत्रता के लिए? प्रेस कि भैया जो प्रेस इंटरनेशनल लेवल पे होती है, जो मीडिया होती है वो निष्पक्ष काम करना चाहिए, वो स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए किसी को, वो चाबी से नहीं चलना चाहिए कि किसी ने चाबी भर दी और उस हिसाब से चल रही है ना। तो ये मीटिंग हुई सारी की सारी, ये किसके तत्वाधान में इसका आयोजन हुआ? यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में। जब ये मीटिंग सक्सेस हुई तो यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने 1993 1993 में घोषणा की कि भैया अपन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कौन सा दिवस मनाएंगे? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आ गई कहानी सर। और ये जो दिवस अपन मनाएंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 1993 में, ये जो दिवस है ये दिवस तभी मनाएंगे जब इसका समापन हुआ मीटिंग का। मीटिंग का समापन कब हुआ, कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है, ठीक। मगर मनाने का जो काम हुआ यानी कि पहला दिवस जो मनाया गया, ये मनाया गया 1994। आ गया मजा। कब मनाया गया? 1994, 1994। और क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वाला कौन सा है, ये है 31st यानी कि 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024। 24 में दुनिया कौन से नंबर का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मना रही है? कौन सा मना रही है भैया? 31वां मना रही है, ठीक है। इस दिवस की शुरुआत कब से हुई? 1994 से, 1994 से, ठीक। घोषणा कब हुई थी कि भैया 3 तारीख को मनाएंगे अगले साल से, ये घोषणा आ गई ना कहानी समझ में। और 3 तारीख को ही क्यों मनाएंगे? क्योंकि 3 तारीख को, 3 तारीख तक, 29 अप्रैल से 3 तारीख तक एक मीटिंग चली थी वर्ल्ड प्रेस के लिए, फ्रीडम के लिए, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। आया मजा सुनना की बात, ठीक, याद रखेगा। तो इस साल जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की जो थीम है वो यहाँ दी हुई है, अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ये पूरी जो है ये इसकी थीम है। थीम परीक्षाओं में है ना, SSC और बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं इनमें अलग अलग जो डेज होते हैं, दिवस कब, एक तो दिवस भी पूछे जाते हैं और दिवस के साथ साथ उनकी जो जो थीम होती है वो भी पूछी जाती है। तो थीम को भी आप याद रखा करें हर दिवस की, ठीक है। तो आप प्रेस फॉर द प्लैनेट यानी ग्रह के लिए प्रेस, और जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंट क्राइसिस, आ गई कहानी समझ, ठीक है। तो ये जो है ये इसकी थीम है इस वर्ष की, याद रखिएगा। तो पूरी की पूरी जो पूरा जो इतिहास है, इससे मैंने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के आपको परिचय करा दिया, ठीक है। मगर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भैया काम अपने को नेक्स्ट लेवल का करना है, तो नेक्स्ट लेवल के काम के लिए अपन बात करते हैं कुछ और एक बात करते हैं भैया, भारत की बात करें। भारत में 1780 आपको पता है, 1780 में पहली बार एक न्यूज़पेपर छपा था। भारत में पहली बार न्यूज़पेपर कब छपा? 1780, 1780 में। और किसने छापा था आपको पता है? किसने छापा था भैया? जेम्स अगस्टस हिक्की, ठीक है, इसको जेम्स अगस्टस हिक्की। और ये कौन सा न्यूज़पेपर था? तो ये था इंग्लिश लैंग्वेज में। किस भाषा में था? इंग्लिश। इंग्लिश में पहली बार समाचार पत्र छपा। भारत में पहला समाचार पत्र कब निकला? 1780। किस भाषा में और किसने छापा, किसने छापा इसको, ठीक। अब मैं पूछूं आपसे कि भारत में पहली बार किसी भारतीय भाषा में कोई समाचार पत्र छपा? भारत में, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषा है, तो पहली बार किसी भारतीय भाषा में अगर कोई समाचार पत्र छपा तो वो कौन सा? मर गई नानी। ये था संवाद कौमुदी। कौन था भैया? संवाद कौमुदी, ठीक है। ये बांग्ला भाषा में था। किस भाषा में था? बांग्ला भाषा। और इसका प्रकाशन किया था राजा राममोहन राय। किसने किया था? राजा राममोहन राय, ठीक है, याद रखिए। ये इसका प्रकाशन हुआ था 1821 में। किसी भारतीय भाषा में छपने वाला पहला समाचार पत्र, फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था इंडियन लैंग्वेज में? संवाद कौमुदी। कौन सी भाषा में था? अब बांग्ला जो भाषा है ये नामीबिया में तो नहीं होती, बोली जाती, कहां बोली जाती है?
भारत में, भारत के पश्चिम बंगाल में भी वही भाषा है मेरे भाई, और बांग्लादेश में भी वही भाषा है। आ गई कहानी समझ, भारत में बोली जाती है। ठीक है, तो 1821 में, 1821 में कौन सा न्यूज़पेपर चालू हुआ? संवाद कुमुदिनी, प्रकाशक कौन थे? आ गई कहानी समझ। फिर बात करें हिंदी भाषा का पहला न्यूज़पेपर, ये तो पता ही होगा, हिंदी भाषा का पहला न्यूज़पेपर कौन रहा भैया, कौन सा था? सर बता रहा, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मार्तंड। कौन सा था? उद्दंत मार्तंड। 1826 कब पब्लिश हुआ? 1826, उद्दंत मार्तंड। और प्रकाशक थे कौन थे? प्रकाशक, प्रकाशक नहीं सुना होगा तुमने कभी, ये थे जुगल किशोर शुक्ल। कौन थे भैया? जुगल किशोर शुक्ल, याद रखिएगा। मजा आया? आया मजा? अभी नहीं आया, अभी स्कोर बढ़ाते हैं, है ना? मैंने बोला दतल्ली पकड़ के मार के ही दूंगा आज तो। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। कब से मनाया जाने लगा है? ये कौन से नंबर का है? इस बार की थीम क्या है? अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, याद रखिएगा, ये इस बार की थीम। तमाम घटनाक्रम में भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट कब पब्लिश हुआ था? 1780, 1780 में। और किसने प्रकाशित किया था? पब्लिशर कौन था? जेम्स अगस्त सिक्की। भारत की पहले, भारत की किसी भाषा में छपने वाला समाचार पत्र कौन सा था? संवाद कौमुदी। 15 ये बांग्ला भाषा में था, राजा राम मोहन राय ने 1821 में इसका प्रकाशन किया था, पब्लिश किया था। मगर हिंदी भाषा का पूछे तो कौन सा था? उद्दंत मार्तंड था, 1826 में पब्लिश हुआ था, जुगल किशोर शुक्ल ने इसका प्रकाशन किया था। अब सवाल ये है कि हम, चलिए ठीक है, हमने प्रेस की तो बात कर ली, मगर हम बात कर रहे हैं प्रेस स्वतंत्रता की, प्रेस फ्रीडम की। सवाल ये कि क्या प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड, से संबंधित कोई अनुच्छेद, कोई आर्टिकल संविधान में भी वर्णित है कि नहीं? बात यह है, कौन सा है, कहां लिखा है प्रेस की स्वतंत्रता, बताइए, बताओ सलोनी। 19 में क्या लिखा हुआ है बताइए? 19A। ठीक है, आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद नंबर ये बता रही है, आर्टिकल नंबर बता रही है 19A में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बताइए? प्रेस की स्वतंत्रता लिखा हुआ है। ठीक, चल मैं क्लियर कर देता, इसमें ऐसा लिखा हुआ है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फ्रीडम टू स्पीक 19A। आगे कहानी समझ। अब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिखा हुआ था भारतीय संविधान में, क्या लिखा हुआ था? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब सवाल यही था जो मैंने अभी पूछा कि क्या प्रेस की स्वतंत्रता भी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। इस विषय को लेके हम गए कहां, जहां पे वो संस्थान, वो घर जो हमारे यहाँ के कानून के, संविधान की व्याख्या करता है। कौन करता है कानून की व्याख्या? कौन करता है बता दो बनवारी लाल? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कानून। आगे कहानी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस भारत संघ, इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस भारत संघ का केस जो कि 1984 में हुआ, जजमेंट जिसका, इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस भारत संघ 1984 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला जो आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है 19A में, यही राइट जो है प्रेस की स्वतंत्रता को भी बताता है। आगे कहानी सुनने, क्योंकि आपके जो विचार हैं, जो अभिव्यक्ति है, वो अगर मौखिक रूप से हो सकती है तो वो कैसी हो सकती है? लिखित भी हो सकती है। आगे की नहीं कहानी सुनने, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है कि प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ है किसमें? हमारे आर्टिकल नंबर 19A, भाषण और अभिव्यक्ति में। ये किसने कहा? ये कहा सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद से मुन्नी ये आने लगा किताबों में। आ गई कहानी समझ? ये तो उससे पहले किताबों में आया, कहानी समझ में? ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता को भारत में मौलिक अधिकार बनाने का काम किस वाद ने, किस केस ने किया था? कौन सा केस था? इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस भारत संघ 1900।
आया मजा? बोली थी पहले ही मैंने, स्टार्टिंग में बोल दिया मजा आया। ठीक, अब यहीं तक बहुत है, ये तो नानी के साथ नाना जी भी। ठीक है, आगे बढ़े आगे। हाल ही में किसे गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है? एक हसमुख सा खूबसूरत सा चेहरा आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो शख्स हैं इनको गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है ना? और मैं देर नहीं करता हूँ, नाम इनका बता देता हूँ, क्योंकि बताना मेरे को कुछ और भी है आपको। ये है आलोक शुक्ला। कौन है ये आलोक शुक्ला? इनको अभी गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार जो है ये 2024 के लिए प्रदान किया गया है। क्या किया है इन्होंने जो इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है? क्या इन्होंने गलती से ये है ना, हाँ ठीक है, मैं गलती से छोड़ गोल्डमैन, क्या इन्होंने क्या सोने के दांत लगवा लिए हैं कि कुछ और गोल्ड वोल्ड पहनते हैं? ये आजकल वो रील्स वील्स में नहीं बताते तुम्हारे को अनशन सोने वोने का पहनता करना क्या क्या होता था? हाँ, उन्हें गोल्डमैन गोल्डमैन कहते हैं उनसे। ओरिजिनल गोल्डमैन भैया ये है, याद रखना, वो सब नकली है ना, याद रखना, वो सब नकली है। ठीक है, ये ओरिजिनल गोल्डमैन कैसे है मैं आपको बताता हूँ, कहानी सुनिएगा, कहानी समझिएगा। ठीक है, और ये जो लिख रहा है पहले थोड़ा बहुत यहाँ समय पर ध्यान दो, है ना? वीडियो चूंकि अपलोड होगा तो उसमें से तुम लिख सकते हो, समझ सकते हो, है ना? जितने लोग ये टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तुम जब वीडियो आ जाए थोड़ी सी मेहनत मास्क कर लेना लिखने की, थोड़ा बहुत पॉइंट डाल लो बस, हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये बिंदु, बाकी समझने का प्रयास करो। क्लास का जो मजा है वो समझने में है, मेरे पढ़ाने का जो मजा है वो समझने में सिर्फ, है ना? आपको इस क्लास में रम जाने में, रम जाने से मतलब भजन कीर्तन या भगवत गीता या कुछ भी इस प्रकार से कोई होता है तो उसमें जो सुनने जाते हैं जनरली जो सुनने जाते हैं वो आपको पता है हमारे बाया और पेट की बुराइयां ही करती हैं, तो बाकी जो सुनने जाते हैं वो दादा और कहीं जर्दे खाने जाते हैं, कहीं बुराइयां करने जाती है, कोको छोरो कहीं कर रही हो, छोरी कहीं कर रही, बाकी तो ये करने जाते हैं। मगर आप देखो उन भजन में, उस भजन संध्या में, उस भजन में, उस भगवत गीता में, उस रामायण में, उस जिस चीज का भी पाठ हो रहा है उस पाठ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रम जाते हैं। रमने का मतलब होता है झूम झूम के नाचते, जो भूल जाते हैं, भटक जाते, भूल जाते हैं कि कोई बेटा है आसपास, वो रम गए बस भगवान की भक्ति में। ऐसे जो लोग हैं वास्तविकता में पुण्य के भागी होते हैं उस चीज से संबंधित, बाकी जो 90% लोग बिटे हुए हैं, जो टीपने का काम कर रहे हैं, जो माला पहना के पता नहीं फलाने गुरु फलाने पुजारी जी के साथ और ये फला वो वाला काम, वो सब फर्जी लोग, सब फर्जी है, याद रखेगा ना, याद रखे, तो ऐसे फर्जी काम मत करो दोस्तों। क्लास का जो मजा है वो सिर्फ समझने में, आनंद लेने में, क्लास को है ना आनंद लो, बस आनंद लो, समझो, बाकी टीपने काम लिखने का काम तो कर ही लेना तुम, कल कर लेना, पर तुम क्या है कि डबल माइंड, वो है ना, दो नावों में पैर रखने, तुम्हें साला लिखना भी है समझना भी है, तुम्हें कल मेहनत करना नहीं है, कल कौन वीडियो देखेगा, क्योंकि तुम्हारा जो 1.5 GB है वो तो तुम रील्स देखने में बिताओगे, पिक्चर देखने में बिताओगे, कहीं का डाउनलोडिंग करने में बिताओगे, सही कह रहा हूँ ना? हाँ, तो ये इसको देख लेना, इसमें लगा लेना थोड़ा बहुत, यहाँ ध्यान दो, लोग काम क्या कर रहे हैं देखो, तुम साले दुनिया में वही गोल्डमैन देख रहे हो जो सोनिक चेन पहन के घूम रहा है, बस उसे गोल्डमैन, गोल्डमैन ये है, देखिए आलोक शुक्ला, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में एक जंगल है, छत्तीसगढ़ में एक जंगल है जिसको कि कहा जाता है हसदेव अरण्य, अरण्य हसदेव अरण्य, अरण्य यानी कि जंगल ही होता है, इसको भी आप याद रखें, हसदेव अरण्य जंगल है, जंगल का एरिया काफी, और जंगल की विशेषता ये है कि जंगल में कोयले की खदानें हैं, कोल ब्लॉक्स, कोल माइंस, कोल माइंस तो बाद में बने, कोल ब्लॉक्स, कोयले की खदानें, कोयला छुपा हुआ है जंगल में नीचे जमीन में, खदानें। अब चूंकि जमीन में कोयला है, जंगल में कोयला है, तो कोयला निकाला जाएगा, उसका खनन किया जाएगा, उसको माइनिंग की जाएगी उसको, और निकालने के लिए जंगल का क्या होगा, दोहन होगा, जंगल काटेंगे, फिर खदानों में एंट्री मारेंगे, उनसे कोयला निकालेंगे, जंगल को साफ भी करेंगे क्योंकि रास्ता भी चाहिए, रोड भी बनाना है, आने जाने का भी पूरा सब चीज करना है, तो वहां से जंगल का को काटना शुरू हो जाएगा। 2012 में ये जो जंगल है इस जंगल को काटने का काम शुरू हो गया, कोल ब्लॉक्स जो है, कोल माइंस जो है वो बेचने का काम सरकार ने कर दिया, छत्तीसगढ़ सरकार, कोयले की खदानें बेच दी कंपनियों, अब कोयला वो ने खदा जिनने खदाने खरीदी उन्होंने सरकार को पैसा दे दिया, और सरकार जो है सरकार को उससे प्रॉफिट हो गया, और जो जो कंपनियां हैं वो कोयला निकाल के बेच के पैसा कमा रही, ये काम चल रहा है हसदेव अरण्य। जब आलोक शुक्ला यहाँ पहुंचे 2012 की बात बता रहा हूँ, तो यहाँ के जो लोग थे वो लोग बिल्कुल पूरी तरीके से हतोत्साहित हो चुके थे, उन्होंने थोड़ा बहुत संघर्ष करा होगा, मगर प्रशासन के आगे किसी की चलने वाली नहीं होती है, उन सब लोगों ने हार मान ली, और हार मान के वो बैठ गए कि चलो जो भी है अब सरकार जो कर रही है वो कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। 2012 में जब इनको ये बात पता चली और ये गाँव गाँव गए, लोगों से बातचीत हुई, तो लोगों से बातचीत में यही बात पता चली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जंगलों को काटा जा रहा है, और काटने के साथ साथ जो वहां पे जो जो भी खनन में जो चीज निकल रही है उनको निकाला जा रहा है, माइनिंग की जा रही है। हसदेव अरण्य में आलोक शुक्ला ने 2012 में 12 से संघर्ष चालू कर,
लोगों को अवेयर करने का काम, लोगों को जागरूक करने का काम चालू करा, लोगों से कहा कि अपन सब लोग मिलके जो है धरना देंगे, भूख हड़ताल बैठेंगे, मतलब प्रयास करेंगे जंगल को बचाने के, और अपन किसी भी कीमत के जंगल को बचाएंगे। और यकीन मानिए इस व्यक्ति ने उन सभी के साथ, सब लोगों ने भी फिर धीरे धीरे इसका विश्वास करा, क्योंकि इसने एक बार जाके भाषण नहीं दिया, एक बार जाके रिबिन नहीं काटा, एक बार जाके माला पहन के नहीं आया, ये इसने माने के काम करा 10 साल काम। कितने साल काम? 10 सालों तक, मतलब 2021 तक, 2021 तक ये उन जंगलों को, हसदेव अरण्य को बचाने के लिए इसने हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन शुरू कर दिया। ये आंदोलन इतना ग्रोथ करा इस आंदोलन ने, इतना जोर पकड़ा कि आखिर में 2021 में सरकार को हार मानते हुए सरकार ने यहां पे 4,45,000 हेक्टेयर पे एक रिजर्व बनाने का, फॉरेस्ट बनाने का काम शुरू कर दिया, मतलब घोषणा कर दी कि भैया हम यह फॉरेस्ट बनाएंगे, और फॉरेस्ट रिजर्व के फॉरेस्ट बनेगा, रिजर्व फॉरेस्ट मतलब एक पशु के लिए, और उस पशु का नाम है हाथी। क्या बनाएंगे भैया? एलिफेंट रिजर्व, हाथी रिजर्व, याद रखना, हाथी के लिए आरक्षित क्षेत्र। अब देखो किसी भी जानवर के लिए आरक्षित क्षेत्र बने, बनेगा तो जंगल ही, क्योंकि हाथी हो, घोड़ा हो, गधा हो, गधा छोड़ो, हाथी हो, शेर हो, भालू हो, मगरमच्छ हो, रहेगा तो जंगल में ही, वो जंगल तो डेवलप करना पड़ेगा, वो टाइल्स बना के मकान तो दोगे नहीं उसको आप, कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उसका भी नाम ला दोगे कि भाई साहब तुम्हारे यहाँ कितने हाथी? 200। सारे हाथियों के आधार कार्ड पूछा तो नाम आ जाएगा लिस्ट। इतने में सचिव जो है वो बोलेगा धीरे से 10,000 रुपये लगेंगे नाम आने के। आई कि नहीं कहानी समझ? आ गई कहानी समझ? तो ऐसा तो नहीं है उनको जंगल लेना पड़ेगा, तो जंगल हाथी रिजर्व, हाथी रिजर्व कितने में बनाने का फैसला कर लिया? 4,45,000 हेक्टेयर। और लेकिन मानिए ये इतना बड़ा एरिया है, एक शहर का नाम लूंगा और शहर का नाम है लंदन। लंदन का नाम सुना? किसकी राजधानी? ब्रिटेन। लंदन शहर से भी बड़ा एरिया है ये, 4,45,000 हेक्टेयर। इतने बड़े एरिया में किसके लिए रिजर्व बन रहा है? हाथी के, मतलब जंगल बन रहा है। आगे की निकाली, ये किस आंदोलन की वजह से बन रहा है? हसदेव, ठीक, हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन, जिसके की जिसको किसने शुरू किया था? आलोक शुक्ला। 10 साल की लड़ाई के बाद, 10 साल के बाद उनको फिर फाइनली मौका मिला। मगर क्या हुआ 2022 में ये हुआ कि आपने भाई साहब का नाम सुना होगा, जिसका नाम शायद आप सीरियसली नहीं लेते, या राहुल गांधी जी बार बार जिनका नाम लेते हैं, ये है अडानी। सुना है? ये अडानी ऐसे भी लिखा होता है, अडानी वैसे भी लिखा होता है, दोनों ही तरीके से लिखा होता है, ठीक है, याद रखें, गुजराती भाषा का नाम। तो अडानी जो है, इन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अडानी को माइंस, अडानी की जो माइंस थी, जो खदानें थी, उन खदानों को और विस्तार करने के लिए अनुमति दे दी 2022 में। कि अभी तक तो ये था कि चलो इतने में हो रही खदान, इनसे बोल दिया कि आप एक काम करो, इतना इतना एरियम कर लो खदान और खोद लो, तब जब और खोदेगा तो जंगल और जाएगा। आई के निकाली सर, ठीक। तो जब ये चीज 2022 में हुई, तो इन्होंने अपना जो आंदोलन है, वो आंदोलन हसदेव अरण्य जो बचाओ आंदोलन था, इस आंदोलन से हटाकर मोड़ दिया छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, कायम बोल दिया छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन। मतलब अब जो आंदोलन इनका चल रहा है, वो ना सिर्फ एक जंगल को बचाने के चल रहा है, इनका ये कहना है कि भैया अब पूरे छत्तीसगढ़ में माइनिंग होना ही नहीं चाहिए, खदान होना ही नहीं चाहिए, नए खदान बटने ही नहीं चाहिए, खदान का विस्तार होना ही नहीं चाहिए। आ रही की निगाहें सर, तो इन्होंने ये जो छोटा सा आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन को और व्यापक रूप दे दिया है, और 2022 से ये उस व्यक्ति या उस कंपनी के खिलाफ लड़ रहे हैं जो कंपनी वहां माइनिंग कर रही है, अदानी ग्रुप। आगे कहानी सर, और आपको पता ही है कि अंबानी अडानी से लड़ना अभी तो वैसे ही टफ काम है, क्योंकि शक्तिमान है। आगे के नहीं कहानी समझ में? साथ में आगे कहानी समझ, तो वैसे भी याद रखे, तो 2022 से ये आंदोलन चला रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, ये है आलोक शुक्ला। कौन है ये? आलोक शुक्ला। आगे ना कहानी समझ, ठीक है। तो ये इनकी मैंने पूरी आपको इतिहास बता दिया है। इनको गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, इसकी घोषणा की गई है। बता दूंगा मैं आपको, दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है, मगर 7वां जो महाद्वीप है वो खाली है, बर्फ जमी हुई है, तो वहां लोग रहते नहीं है। जनरली जहां पे लोग रहते हैं वो कितने हैं? 6 महाद्वीप है, 6 कॉन्टिनेंट है। तो ये जो 6 कॉन्टिनेंट जहां पे लोग हमारे रहते हैं, इनमें से हर एक कॉन्टिनेंट के व्यक्ति को, एक व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है। इस प्रकार कितने लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है हर साल? हर महाद्वीप से एक। अगली ना कहानी सुन, हर कॉन्टिनेंट में जो एक व्यक्ति पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रहा होता है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे कहानी सुन, ठीक है। तो अभी इस साल जरूर ये 7 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 7 में कौन शामिल है? ठीक है, भारत में, मध्य प्रदेश में नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने सुना होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था?
मेधा पाटकर नाम अगर आपने सुना, किसने शुरू किया था मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर, याद रखिएगा मेधा पाटकर। ये मेधा पाटकर जी जो हैं, इनको भी ये पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार? गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार अवार्ड। आगे कहानी सुन, अब आप सोचो जंगलों में, जहां जिन एरियो में मोबाइल नहीं चलता, जिन एरियो में आपका परिवार आपके साथ नहीं है, जिन एरियो में आप, ठीक है, उन एरियो में जाना एक तो टफ काम है। हम लोग तो मान लो कि हमारी तो स्थिति ऐसी कि अभी पिताजी के साथ, शायद हम सभी की स्थिति ऐसी कि हम तो हमारे पिताजी के साथ शायद 2-4 दिन अगर सुखला बगला या फसल बसल निकालने के बाद उसमें परेशान हो जाए। कोई व्यक्ति किसी दूसरों के लिए 10 साल से लड़ाई लड़ रहा है वहां जाके, और सबसे बड़ी बात, लड़ाई वो किसी व्यक्ति से नहीं लड़ रहा, पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ रहा है, प्रशासन से लड़ रहा है, सामने शासन से लड़ रहा है, इतने बड़े कंपनियों से लड़ रहा है। आई कहानी से, तो इसलिए गोल्ड, ये ओरिजिनल गोल्ड मैन कौन है? आलोक, क्योंकि चीजें गलत होते हुए देखता तो हर कोई है, मगर गलत होती हुई चीजों के खिलाफ आवाज उठाने वाला हर कोई काम नहीं करता, वो कोई कोई होता है जिसके पास गोल्डन हार्ट हो। आई के नहीं कहानी सर, तो रियल में जो गोल्डन हार्ट वाले लोग हैं ये गोल्ड मैन है, ठीक है, इनको अभी आप याद रखेगा। ये पुरस्कार दिया गया है 7 लोगों को दिया गया है, जिनका नाम ये अमेरिका का जो सैन फ्रांसिस्को है वहां पे ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आगे कहानी सुनने, इसको भी आप याद रखिएगा, अमेरिका में ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली तरफ चलते हैं। आलोक शुक्ला, याद रखिएगा, हाल ही में किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? ये जो हसमुख चेहरा आपको कुछ चेहरा दिख रहा है यही है, और ज्यादा इसमें भी मैं खींचतान नहीं करूंगा। इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, और याद रखिएगा नौसेना के जो प्रमुख होते हैं, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो होते हैं, या नेवी चीफ जो होते हैं, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो होते हैं, इनको एडमिरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडमिरल। तो अगर आपसे पूछ ले हाल ही में नए एडमिरल, नौसेना के नए एडमिरल कौन बने हैं, तो कौन बने हैं भैया? दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं, इनको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने किसकी जगह ली है पहले, अभी किनकी जगह ली, तो इनकी जगह ली है, और ये कौन है? तो ये है आर हरी कुमार। कौन है भैया? आर हरी कुमार, इनकी जगह ली है, और इनकी जगह पे नए एडमिरल कौन बन गए हैं अभी? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये वाइस एडमिरल थे, है ना, यानी कि उप सेना प्रमुख थे, अभी ये सेना प्रमुख हो गए नौसेना के, ठीक है। तो नौसेना के नए जो एडमिरल है वो कौन बन गए हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी बन गए हैं, इसको आप याद रखिएगा। और कौन से नंबर के बने, इसको भी याद रखिएगा, 26वें 26 नंबर के ये नेवी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ये है। हाल ही में आयुष्मान भारत जो जो दिवस है वो कब मनाया गया है? आयुष्मान भारत दिवस, तो मैं आपको बता दूं, 2018 में, 2018 में, 2018 में पीएम जय करके योजना शुरू हुई थी। अगर नाम आपको बताऊं तो मैं बता देता हूं, प्रधानमंत्री, पीएम से तो प्रधानमंत्री हो ही गया, जन आरोग्य योजना, कौन सी है भैया? ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये 2018 में शुरू हुई थी, और इस पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ही भारत में लोगों को मिलने लगे थे आयुष्मान कार्ड। कौन से कार्ड मिलने लगे थे? आयुष्मान कार्ड मिलने लगे थे, ठीक है। और इन कार्डों के तहत आपको पता है एक परिवार को कितने रुपए की सहायता राशि इलाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए दी जा रही थी? 5 लाख रुपए की प्रति परिवार जो है सहायता राशि इसमें दी जा रही है, अभी भी दी जा रही है, याद रखिएगा, अच्छी योजना है, काफी अच्छी योजना है। 2018 से इस योजना के तहत ये कार्ड बनना शुरू हुए, तो बस इसी के बाद से ये जो 2018 में काम हुआ, इसी के तहत 30 अप्रैल को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है इस योजना की शुरुआत से ही। आगे कहानी समझे दोस्तों, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। तो आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 30 अप्रैल, कब से? 2018 से, इस योजना की शुरुआत से, ठीक है, याद रखेगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक। अगली तरफ चलते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? रिसेंटली चाइना हैज लॉन्च द फर्स्ट 8 हैंगर क्लास सबमरीन, बिल्ट फॉर विच कंट्री? बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, ठीक। आप पनडुब्बी तो देख ही पा रहे हैं, सबमरीन आप देख, पनडुब्बी यानी सबमरीन, पानी के अंदर जो डूब के नाव चलती है उसको हम सबमरीन बोलते हैं, पनडुब्बी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये पनडुब्बी बनाई है चीन ने, बनाई, और चीन ने किसी देश के लिए बनाई है ना, तो किस देश के लिए बनाई है? हालांकि हम पहले बात करते हैं, पहले बता देता हूँ ताकि उसमें से सस्पेंस खत्म हो जाए, पाकिस्तान। किसके लिए बनाई है? तो प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल गया, पाकिस्तान, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि भैया पाकिस्तान के पास एक नई सबमरीन शामिल हो रही है, कितनी सबमरीन का ठेका हुआ इनका आपस में? ठेका मतलब ये तो ठेका ही करेगा, कहाँ गया ये, है ना, पाकिस्तान ने 8 सबमरीन, कितनी और क्लास कौन सी सबमरीन की? क्लास, क्लास मिलती है ना, जैसे मोबाइल में होता है प्रो, प्रो मैक्स टाइप्स, क्लास, क्लास कौन सी? हैंगर क्लास, हैंगर श्रेणी, अच्छी क्लास है, अच्छी पनडुब्बी है।
आठ आठ में से पहली पनडुब्बी लॉन्च कर दी, पहली पनडुब्बी की खेप यहाँ पहुंचा दी जाएगी, पहली पनडुब्बी इनको देने का काम हो जाएगा। लॉन्च कर दी मतलब जलावरण कर दिया है, पानी में उतार दिया, किसको दे दी जाएगी? पाकिस्तान। ठीक है, ये आप याद रखेगा। अब समस्या क्या है? समस्या ये कि भारत के पास जिस श्रेणी की पनडुब्बी है वो है कलवरी, कलवरी क्लास, यानी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी हमारे पास, हमारे पास। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कलवरी श्रेणी से शायद ये थोड़ी सी बेहतर पनडुब्बी है सबमरीन। कहानी क्यों बेहतर है? क्योंकि मैं अगर आपसे पूछूं एक चीज सोच के देखो, और वो चीज ये है कि पनडुब्बी पानी के अंदर डूब के अगर कोई नाव चलेगी तो वो कैसे चलेगी? मेरे को बताओ, काई से चलेगी? पहले तो बताओ आप क्या सोचते हो, काई से चलेगी? जैसे कोई रॉकेट ऊपर जाता है, कोई सैटेलाइट घूमती है, तो सैटेलाइट तो सोलर सिस्टम से घूम लेती है, सूर्य के प्रकाश से घूम लेती है, पर समुद्र के अंदर अगर कोई पनडुब्बी चलाओगे, ये चलाओगे, सबमरीन चलाओगे, सबमरीन कैसे चलेगी? अब तुम सोचो कि बिजली के तार बिछा दें तो करंट नहीं लगेगा उसमें, पानी में मछलियां मर जाएंगी बेचारी, तो ये भी नहीं हो सकता। आई के निगाह चले, ठीक है। तो ये कहीं से चलती है, मैं आपको बताता हूँ, ये चलती है चार्जिंग से। कहीं चलती है? चार्जिंग मतलब बैटरी से। इनके अंदर बैटरी रखी जाती है, ऐसा सिस्टम रखा जाता है कि वो चार्ज हो जाता है, ऊपर अपन चार्ज करके नीचे उतार देते हैं। आगे कहानी चलो। तो अब ये तो इलेक्ट्रिक वाला काम हो गया, चार्जिंग वाला। अब बताओ आप, चार्जिंग वाला काम है तो बहुत ज्यादा तो नहीं चलेगा, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? चार्जिंग में तो एक बैटरी खत्म और पनडुब्बी वहीं करके, और हेलो हेलो हेलो, सही कह रहा हूँ? ऐसा हो जाए, है ना? तो चार्जिंग बस याद रखिए, ये जो पनडुब्बी है ना हैंगर श्रेणी की, ये चार्जिंग कैपेसिटी में इससे बेहतर है। किससे बेहतर है? कलवरी। ऐसा कहते हैं इसकी चार्जिंग कैपेसिटी ज्यादा बेहतर है, कलवरिश। ठीक, कोई बात। चीन ने हैंगर श्रेणी की आठ पनडुब्बियों में से पहली पनडुब्बी बना उनके यहां पहुंचाने का काम कर दी पाकिस्तान। अब ये भाई कल्ला हो गया कि हमने तुमसे अच्छी पनडुब्बी खरीद ली और पहली तो आ भी गई। ठीक है, अब ये अलग बात है, पैसे दे के नहीं दे, खाने की कमी पड़ रही है ना, पनडुब्बी के लिए पैसा पता नहीं कहां से लाए, और चाइना माल की गारंटी भी नहीं है, सबसे बड़ी बात, कब तक वो चले, ये भी सही बात। ठीक, और दूसरी बात है, पता चले बैलगाड़ी रख के ले जा रही है ये, इन चीन ने तो पहुंचा दी और वहां से बैलगाड़ी रख के ले जा रहे हैं। ठीक है, और चीन वाले फिर अगली बार से कोई प्रोडक्ट नहीं देंगे, उन्होंने कहा तुम साल क्या काम करो, पानी के अंदर चलाए तुम, रोड पे लेके जा रहे हो, कोई बैलगाड़ी रख के, है ना? चलिए बात कर, हमने क्या करा 2 मई को, अभी भारत ने क्या करा, हमने क्या करा, हमने क्या करा, ज्यादा कूद रही, तो हमने एक मिसाइल सिस्टम बनाया। स्मार्ट मिसाइल सिस्टम, कौन सा मिसाइल सिस्टम? अब देखिए कुछ एक बात बताओ, सबसे मेन चीज पनडुब्बी, ये पनडुब्बी दो काम करेगी, एक काम सबमरीन, एक दो काम करती, एक काम तो करती कि वो पानी के अंदर जाएगी और कुछ भी चीज देख रहा हो, कोई जहाज वहाज, तो नीचे से देख के आ जाएगी, मतलब नीचे से जाकर ध्यान रखेगी, है ना, जमीन के अंदर नीचे से कि को कितने जहाज है क्या है क्या। और दूसरा काम भी करेगी कि पानी के अंदर चलने वाली हम इसमें मिसाइल लगा सकते हैं। अब पानी के अंदर जो मिसाइल सिस्टम लगता है ना, उसको टॉरपीडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? टॉरपीडो कहा जाता है, टॉरपीडो कहा जाता है। ठीक है, टॉरपीडो, टॉरपीडो का मतलब क्या है? पानी के अंदर चलने वाली तोप, मशीन, या यू मान लो एक तरह से मिसाइल। टॉरपीडो यानी कि पानी के अंदर चलने, आगे कहानी चलिए, पानी के अंदर कोई मिसाइल अगर चलेगी तो क्या कहलाएगी? टॉरपीडो कहलाएगी। क्लियर है, समझ आ गई ना? ठीक, ये जो टॉरपीडो है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा तुम्हें? डार्क कर देता हूँ। ठीक, ये जो टॉरपीडो है, इसकी स्पीड की अगर मैं आपसे बात करूं, इसकी स्पीड की अगर मैं बात करूं, तो जनरली इसकी स्पीड पानी के अंदर होती है 50-60-70 किलोमीटर पर आवर। कितनी होती है भैया? 50-60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार होती है। मिसाइल पानी के अंदर जा रही है, थोड़ी बहुत दूर तक जाएगी और इतनी स्पीड से जाएगी कि एक घंटे में 50-60-70 किलोमीटर चली जाए लगभग। ये एक सामान्य स्पीड इसकी मैंने आपको टॉरपीडो बनाई। हमने क्या करा? हमने ये सिस्टम बनाया स्मार्ट, ठीक है। और ये सिस्टम का फुल फॉर्म मैं पहले आपको फुल फॉर्म बता दूं, इसका फुल फॉर्म है सुपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो, रिलीज ऑफ टॉरपीडो। क्या हो गया फुल फॉर्म भैया बता दो? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो, मतलब हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिस सिस्टम के दम पे ना सिर्फ पनडुब्बी से
बल्कि किसी जहाज के ऊपर से भी या पनडुब्बी के नीचे से भी हम उस टोरपीडो को मिसाइल की स्पीड से पहुंचा सकते हैं। किसकी स्पीड से? और मिसाइल की स्पीड कैसी रहेगी दोस्तों? तो मिसाइल की स्पीड रहेगी सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मतलब 1, 2, 3, 4 किलोमीटर पर आवर। अरे खुश हो जाओ, 12 से 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी मिसाइल जाएगी, टोरपीडो जाएगा। कितनी स्पीड से जाएगा? और इनकी इनकी पनडुब्बी से जो आएगी टोरपीडो वो आ गई कहानी समझ। और इस सिस्टम की रेंज है लगभग 650 किलोमीटर। कितनी रेंज है इसके साथ? 650 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं की पनडुब्बी आ गई लपेटे में, तो अपनी मिसाइल यूं होगा एकदम से, यूं वो यूं करेंगे, यूं खत्म। नैनो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, कुछ एक सेकेंड्स के अंदर आ रही कहानी समझ। उनके जो पनडुब्बी है ना, ये जो चाइनीज माल है, बूम, आ गई ना कहानी समझ। अब इसकी और विशेषता क्या है सिस्टम की? ये जो टोरपीडो जिसमें सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा, वो मशीन, वो मिसाइल, वो टोरपीडो मिसाइल की स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, और सबसे अच्छी बात उसका रास्ता भी चेंज हो सकता है। मतलब लगे पनडुब्बी के यार मिसाइल छोड़ने वाले और इधर से उधर रास्ता चेंज कर ले, तो भाई अपन पानी के अंदर भी रास्ता चेंज कर सकते हैं। कहाँ लगे हो? कोई नहीं है। आगे कहानी समझ में? कोई कोई नहीं है, कोई मदद नहीं कर सकता। चीन, वीन, पाकिस्तान, पाकिस्तान, आई कहानी समझना ठीक। हम हमेशा से बस हमें हमारी कैपेसिटी को जानने की जरूरत थी, क्षमताओं को पहचानने की जरूरत थी। हम हमेशा से एक कदम आगे हैं उनसे। इनसे तो कना कितने कदम आगे इनसे? आगे क्या है? नाटक ही उल्टा, और अपन इधर जा रहे ठीक है, और ये उधर जा रहे, यू करते करते इनकी समस्या ही है ना। तो ये डबल काम हो रहा है ठीक है, समझिएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या हो गया? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। याद रखिएगा, सिस्टम डेवलप किया है, स्पीड सुपरसोनिक है, 12 से 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेगी मिसाइल टॉर्पेडो, और जो जनरली एक स्पीड होती है पनडुब्बी से जो टॉर्पेडो छोड़ी जाती है उसकी 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। आगे कहानी सुन ठीक है। तो बताइए, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च कर दी है? सबमरीन दे दिए पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ता हूँ अगले करंट की तरफ। और ये रहा हाल ही में सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए सरयू नदी का पवित्र जल भेजा जाएगा, यह मंदिर कहाँ निर्मित किया जा रहा है? रिसेंटली होली वाटर ऑफ सरयू रिवर विल बी सेंट फॉर द कोरोनेशन ऑफ सीता अम्मा टेम्पल, वेयर इज दिस टेम्पल बींग बिल्ट? बताइए दोस्तों। तमिलनाडु, श्रीलंका, यूएई, केरल। बढ़िया लग रहा है इस मंदिर तो। केरल कहाँ पे भैया? केरल गलत जवाब। तमिलनाडु गलत जवाब। यूएई गलत जवाब। श्रीलंका सही जवाब। अरे यार तुम बोलो, सीता अम्मा, सीता माता, सीता जी आई कुछ कहानी सुन। कहाँ का था रावण? तो वहां पे मंदिर बन रहा, मंदिर का नाम है माँ जानकी मंदिर। कौन सा भैया? माँ जानकी मंदिर, जिसको कि ये भी कहा जाता है, सीता। आगे कहानी सुन ठीक है। तो श्रीलंका में जो मंदिर बना है, इसका उद्घाटन होना है, सॉरी इसका प्राण प्रतिष्ठा होना है, प्राण प्रतिष्ठा होना है, बता देता हूँ, 19 मई को। कब होना है? 19 मई को। मजा आया दोस्तों। और उसके लिए हमारे यहाँ से सरयू नदी से जल पहुंचाया जा रहा है। तो सुदान जो सरयू नदी से क्यों पहुंचाया जा रहा है? क्यों पहुंचाया जा रहा है सरयू नदी से? मतलब अपनी अजनार नदी से पहुंचा सकते हैं? अरे भाई, सरयू नदी के तट पे अयोध्या है। सरयू नदी के तट पे कौन सा नगर है? अयोध्या। अयोध्या और राम जी कहाँ के थे? सीता माता कहाँ की थी? अयोध्या की। अरे अयोध्या से मतलब राम, जहाँ उनको ससुराल दो, मायके तो होगी और कहाँ होगी। आ गई कहानी समझ? आ गई कहानी समझ में? तो इसीलिए सरयू नदी का जो है जल उन्होंने मांगा है, क्योंकि अयोध्या में हाल ही में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आगे कहानी समझ ठीक है। तो अब माता जानकी का मंदिर बन रहा है, तो वहां भी वही जल से राज्याभिषेक होगा, जो जल हमारे अयोध्या के तट पे, सरयू नदी ठीक है। तो ये भी याद रखेगा, सरयू नदी के तट पे कौन सा शहर है? अयोध्या है, या अयोध्या किस नदी किनारे है? सरयू नदी। आगे कहानी समझ। चलिए, आज के अंतिम जो करंट का बिंदु है हमारा, जो लास्ट पॉइंट है करंट का, 10वां इसके आ गए हैं पॉइंट आपके सामने है। हाल ही में किसी एनटीपीसी का सीवीओ नियुक्त किया गया है? सीवीओ क्या होता है जनरली? ये तो गलत है ना, क्या होता है? सीईओ। सीईओ का मतलब क्या होता है? चीफ
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो सी होना चाहिए था, यहाँ पे सीबीओ लिखा हुआ है, मगर याद रखिएगा ये सीबीओ सही है भाई, गलत नहीं है, ये सही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चीफ विजिलेंस विजिलेंस ऑफिसर, मतलब कि मुख्य सतर्कता अधिकारी। क्या है भैया? मुख्य सतर्कता अधिकारी। चीफ विजिलेंस ऑफिसर, तो ये सीबीओ सही है, ये सीईओ की तरह मत जाना, आगे ना कहानी सुन। ठीक है, एनटीपीसी का सीबीओ किसे नियुक्त किया गया है बता देता हूं बिना देर करे, तो मुख्य वो किया गया है इनको, रश्मिता झा को। किनको नियुक्त किया गया है? रश्मिता झा, एक क्योंकि जैसे एक अनिता देसाई को, प्रद्युमन धीरे से अनिता देसाई। अरे भाई मेरी स्पीड सुपर सोनिक है, तू कहां 50-60 की स्पीड से चल रहा है जबरदस्त है। कौन है? रश्मिता झा। किसको नियुक्त किया गया है? एनटीपीसी, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की महारत्न कंपनियों में से एक है, नेशनल थर्मल, बता दो भैया, बता दिया है पहले, कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, भारत की एक महारत्न कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई और बताओ? 1975, कब हुई भैया? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना, और नई दिल्ली में, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। आगे कहानी सुनिए, ये था इस सप्ताह का टॉप 10 करंट, और मेरे ख्याल से आप लोगों को इस करंट में बेहद मजा आया होगा, बहुत मजा आया होगा, है ना, तो बहुत मजा आया होगा, तो बढ़िया नोट्स वोट्स बनाते चले, है ना, बार बार कह रहा हूँ, पॉइंट्स को, बिंदु को याद करते रहे, ठीक है। और ब्यावरा और ब्यावरा के आसपास से अगर आप लोग हैं तो क्यों देर करनी ज्यादा, और सम्मेलन खत्म हो गया हो और नुक्ति और पूरी खाली हो, तो आ जाओ फिर, जयराम जी।